कल्पना करें एक पानी की टंकी जिसके दोनों तरफ नल हैं, एक दाया नल और एक बाया नल। पानी निकालने के लिए दोनों ही नलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कौन सा नल पसंद करेंगे? कोई भी, जाहिर है। लेकिन म्यूचुअल फंड के मामले में यह उतना आसान नहीं है। आपका म्यूचुअल फंड निवेश उस पानी के टंकी की तरह है जो आपकी मेहनत की कमाई से भरा है। कोई भी रिटर्न जल स्तर को बढ़ाता है और किसी भी विड्रॉल से जल स्तर घट जाता है। इस म्यूचुअल फंड टैंक से पानी निकालने के लिए दो नल हैं। यदि आप बाएं नल से पानी निकालते हैं तो आपको 30% तक टैक्स चुकाना होगा, और यदि आप दाएं नल का उपयोग करते हैं तो केवल 1-2% या सबसे खराब सिचुएशन में 10% तक चार्ज चुकाना होगा। दाया नल आपको थोड़ा रिबेट भी दे सकता है। अब आप कौन सा नल पसंद करेंगे? दाया नल है ना? बाया नल है डिविडेंड ऑप्शन प्लान और दाया नल है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप हर महीने, तिमाही या साल में एक निश्चित रकम निकालना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। जब भी पानी का इनफ्लो यानी रिटर्न घट जाता है तो जल स्तर नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी का इनफ्लो आउटफ्लो से कम है। ऐसे मामले में अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन प्लान का चयन किया है तो 30% तक टैक्स का भुगतान करना होगा, जबकि अगर आपने SWP लिया है तो आपको पैसे निकालने पर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं देना होगा। इसीलिए SWP एक बेहतर और अधिक टैक्स एफिशिएंट विकल्प है। इसके अलावा यदि आप शुरू में कम पानी निकालते हैं और धीरे धीरे अपनी विड्रॉल अमाउंट बढ़ाते हैं तो हर साल पानी का स्तर बढ़ेगा। इस तरह के योजना को टॉप अप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें।